इस विश्व में केवल शरीर मरते हैं, लेकिन आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती है। नमस्कार दोस्तों, हाउ आर यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। आज हमारा टॉपिक है सपने में भगवद गीता देखने का क्या अर्थ होता है। दोस्तों, श्रीमद भगवद गीता जीवन का सार है। यह एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें जीवन के बारे में सब कुछ बताया गया है। यह हम सब जानते हैं कि गीता जी को स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के दौरान सुनाया था। क्या होगा जब ऐसा पवित्र धार्मिक ग्रंथ किसी व्यक्ति को स्वप्न में दर्शन दे? तो आइए जानते हैं सपने में गीता देखना या पढ़ना, पाठ करना या सुनने का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, सपनों की दुनिया बहुत ही रहस्यमय होती है। यदि कोई व्यक्ति ठीक से इस रहस्य को समझ ले तो खुद के जीवन के कई पर्दों को खोल सकता है। वैसे साइंस के मुताबिक नींद में देखे गए सपने निरर्थक होते हैं। उनका कहना है कि हमारे सपने दिन में सोची विचारी गई बातों को लेकर आते हैं या किसी अधूरी इच्छा से प्रभावित होकर आते हैं। फ्रेंड्स, उनका कहना भी सही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि कुछ सपने ऐसे भी हमें नींद में आते हैं जो कि आने वाले वक्त के बारे में हमें कोई संकेत देते हैं। यह सपने प्रतीकात्मक रूप में दिखाई देते हैं। ऐसे सपने बहुत कम आते हैं दोस्तों। इतिहास में ऐसे कई किस्से हैं जिसमें उन्हें सपने में आने वाले कल के बारे में खबर हो गई थी, लेकिन उन्होंने भी सपने को सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बाद में घटना घटने पर उन्हें अफसोस हुआ। ठीक इसी तरह इस बात से हम यह कहना चाहते हैं कि जब आपको सपने में भगवद गीता दिखी, तब क्या उन दिनों आपने गीता जी के बारे में कोई सोच विचार किया था? क्या आपने गीता जी पढ़ी थी या आपने श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया था? यानी कि क्या आपने गीता जी से जुड़ी किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया की थी और फिर आपने जो सोचा था या जो आप कर रहे थे ठीक वैसा ही आपको सपने में दिखा? अगर ऐसा है दोस्तों, तो यह सामान्य बात होगी, क्योंकि अक्सर हम दिन में जो भी करते हैं वह सपने में दृश्य बनकर आता है। ऐसे में गीता जी का सपने में दिखना आपके जीवन पर कोई असर नहीं करेगा। यह सामान्य सपना माना जाएगा जो कि आपकी गतिविधि से प्रभावित होकर आया है, लेकिन आपको सपने में वैसा नहीं दिखा जो आपने सोचा था या आपने गीता जी के बारे में कोई सोच विचार किया ही नहीं था, तो फिर यह सपना आने वाले समय में आपके लिए जरूर ही कुछ ना कुछ फल देगा या असर करेगा। दोस्तों, सपने में गीता देखना, पढ़ना या सुनना बहुत ही दुर्लभ सपना है। ऐसा सपना देखने पर व्यक्ति का भाग्य उदय होता है। यह करोड़ों में से किसी एक को ही आता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को सपने में गीता पढ़ना, सुनना, छूना या फिर यह ग्रंथ किसी भी रूप में देखने को मिलता है, तो यह अत्यंत ही शुभ होता है। यह सपना आपके जीवन को सार्थक बना देगा। सुख, समृद्धि, शांति, ज्ञान, यश और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होगी। गीता जी ज्ञान का प्रतीक होती है। जब कोई सपने में गीता जी को देखता है तो उसे आने वाले समय में जीवन में ऐसे अनुभव प्राप्त होते हैं जिससे उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे व्यक्ति का जीवन सार्थक हो जाता है। दोस्तों, यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें दुनिया की शुरुआत से लेकर अंत तक की बातें बताई गई हैं। यह अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाला ग्रंथ है। यदि कोई व्यक्ति भगवद गीता को ध्यान से पढ़े और उस पर गहराई से अमल करे, तो वह जीवन का उद्देश्य और मूल को समझ सकता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप जीवन के बारे में जिज्ञासा रखते हैं या कुछ खोज रहे हैं, तो ऐसे में आपको गीता जी का अध्ययन शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जब आपको यह सपना आता है तो यह संकेत भी हो सकता है कि आपको गीता जी के अध्ययन की जरूरत है। दोस्तों, हमारे आसपास अज्ञात शक्तियां घूम रही होती हैं। वो प्रसन्न होकर किसी भी व्यक्ति की मदद कर देती हैं या प्रतीकात्मक सपने दिखा देती हैं। तो हो सकता है कि आपको गीता ज्ञान की जरूरत हो, इसीलिए आपको ऐसा सपना दर्शा दिया गया हो। आप इस बात को ऐसे ही ना लें कि ऐसे कोई शक्ति क्यों मदद करेगी। इन शक्तियों में मृत आत्माएं भी होती हैं। वह और कोई नहीं, आपके परिजन भी हो सकते हैं जो चाहते हो कि आप गीता का अध्ययन करें, या आपका अवचेतन मन खुद ऐसा सपना दिखा सकता है जिससे कि आप अपने वास्तविक जीवन में आ रही किसी बाधा को खत्म कर सकें।
दोस्तों, सपने में गीता देखने का मतलब शुभ और दुर्लभ होता है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, आप बड़े ही किस्मत वाले हैं अगर आपको सपने में भगवद गीता जी के दर्शन हुए हों। स्वप्न शास्त्र के मुताबिक करोड़ों लोगों में से गिनती के ही ऐसे लोगों को ऐसा सपना आता है। अब आप इसके महत्व को समझ ही गए होंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आध्यात्मिक बने। धन्यवाद दोस्तों।